घर में गर्मी, मार्च के महीने में इतनी ज्यादा गर्मी मैंने तो नहीं देखी। क्या आपने देखी है? आइए लोगों से बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी, ये बताइए, मार्च के महीने में इतनी गर्मी देखी, क्योंकि मार्च का महीना शुरू ही हुआ है। नहीं, आज तक तो नहीं देखा है कभी, ये पहली बार है जो हम लोग ऐसे देख रहे हैं इतनी गर्मी मार्च में। तो ये गर्मी से कितनी परेशान हो रही है? बहुत ज्यादा। अब पता नहीं आगे जाके क्या होगा, क्योंकि कॉलेज आना जाने रहता है इस टाइम पे, मेन 12 से लेके 3 का टाइम रहता है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है ऑब्वियसली। एक चीज़ तो बताइए, मानसी इतनी गोरी है, ये धूप तो काला कर देगा फिर? शायद कर दे। आप बताइए, देखिए गर्मी इतनी है कि गोला भी खा रही है। क्या नाम है आपका? तृप्ति। तृप्ति, कैसा लग रहा है गोला खाने में? सही, बहुत सही लग रहा है। इतनी गर्मी एक्सपेक्टेड नहीं थी इस मंथ में, तो ऑब्वियसली अभी ज़रूरत हो रही है अभी से ही। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है गोला खाने की। चाय पीती हैं? नहीं, इतनी गर्मी में चाय कौन पिएगा? चाय अगर पीती है तो चाय तो छोड़ना पड़ेगा। अब आइसक्रीम और गोला वाला भैया के पास लड़कियों का भी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत परेशानी हो रही है। नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो अभी से पसीना मेरा भी आ रहा है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लुबना है। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट है आपका? मेरा माइक्रोबायोलॉजी कोर है, कोर सब्जेक्ट। गंदा गर्मी है, कितनी परेशान हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है इतनी गर्मी में, क्योंकि मुझे तो दानापुर से आना पड़ता है यहाँ पे, बहुत दूर है मेरा घर, और दूर से आते आते हालत खराब हो जाती है। बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाता है, और पर से जाम लगता है। अभी तो बोर्ड्स का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा जाम लगता है, एक एक घंटा जाम में फंसे रहना पड़ता है। अच्छा, आप लोग से मैं पूछूंगी कि क्या लग रहा है, अभी ऐसा गर्मी है तो 2 महीने बाद क्या हालत होने वाली है? इस बार तो लग रहा है कि मई जून की हालत जो वो 50 डिग्री क्रॉस कर ही जाएगी। 50 डिग्रीज तो घर से निकलना मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है इस बार। मुश्किल हो रहा है तो आगे चल के तो और मुश्किल होगा। हाँ। ये मार्च के महीने में जी बॉडी को एकदम तपा दिया, जला दिया ये गर्मी। जी जी, हम लोग की वजह से एक्चुअली हो रहा है ना, हम लोग ही ग्लोबल वार्मिंग के को एक्चुअली मुझे क्या लगा कि आप बोलने वाली कि हम लोग की वजह से हो रहा है, हम लोग बहुत हॉट है इसलिए। नो, ग्लोबल वार्मिंग का हम लोग रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग का। हाँ, बात सही है, लोगों को ये चीज समझना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग, राइट। चलिए, थैंक यू मानसी। रमशा, चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। सब पटना वुमेन्स की गर्ल्स थी, और इन्होंने हमसे खुलकर बात की इस गर्मी को लेकर के। उफ, ये गर्मी। चलिए और लोगों से बात करती हूँ। ज्यादा नहीं है। अच्छा, मार्च के महीने में इतनी गर्मी शुरुआत में देखी आपने? हाँ, उससे ज्यादा, पिछले साल से ज्यादा है। हाँ, मार्च के महीने में। अच्छा, तो ये बताइए, अभी का मौसम ऐसा है तो 1-2 महीने में क्या हालत होगी? मुमकिन है कि और भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, बहुत ज्यादा पड़ेगी। और आप ब्लेजर पहनी हुई है, बताइए तो गर्मी लग रही है कि नहीं? थोड़ी सी तो लग रही है, तो मजबूरी है फिलहाल। हाँ, अभी तो मजबूरी है, क्योंकि हमारा भी मजबूरी है, हम लोग भी ब्लेजर पहनते ही हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है? हाँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है नहीं? हाँ। अच्छा, इतनी गर्मी देखी है पिछले साल या उसके पिछले साल, याद है? नहीं, क्योंकि मुझे नहीं याद है कि मार्च के महीने में और स्टार्टिंग में ही इतनी ज़्यादा गर्मी। नहीं, इतनी नहीं थी। नहीं, क्या लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब गर्मी अभी इतनी पड़ रही है तो 1 महीने बाद क्या हालत होगी हम लोग की? ज़्यादा ही गर्मी पड़ जाएगी तो और दिक्कत होगा। तो आप लोग को स्कूल आने जाने में मन तो नहीं करेगा एसी से निकलने में? नहीं। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि अब देखिए मौसम इतना ज़्यादा, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी और गर्मी स्टार्टिंग में ही इतना ज़्यादा, अभी तो होली भी नहीं आई है। हाँ, कैसे प्रोटेक्ट करेंगी धूप से खुद को? स्टॉल्स, फिर ग्लव्स वगैरह। नहीं, रंग काला ना पड़ जाए, खूबसूरत लड़कियों का रंग काला ना पड़ जाए। नहीं नहीं, लड़कियां वैसे भी खासकर अपने आप को स्टॉल या फिर हाथ में ग्लव्स आते हैं उससे खुद को प्रोटेक्ट करती हैं, गोरी लड़कियां खासकर, क्योंकि धूप उन पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। आइए और लड़कियों से बात करती हूँ, चूँकि मौसम बिल्कुल बदल गया है। और मैं आपको बता दूँ कि जो लोग ठंड में चाय पीना पसंद करते थे, अब जूस या आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांभवी। शांभवी, कितनी गर्मी परेशान कर रही है आप? बहुत ज़्यादा गर्मी परेशान कर रही है, मतलब अभी आप देख सकते हैं कि मार्च का महीना है और इतनी कड़क धूप जो है
वो बहुत ज़्यादा बहुत हद तक स्कूल के चिल्ड्रन को जो भी जाएंगे और हम लोग कॉलेज स्टूडेंट या भी जो भी यात्री जो कि ट्रेवलिंग करेंगे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी मार्च में ही इतनी गर्मी है तो आप जून जुलाई में आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गर्मी देखने को मिल सकती है। लड़कियों के खूबसूरती पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, लड़कियों के खूबसूरती पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी। जी प्रॉब्लम्स होंगी, क्या इतनी गर्मी देखी है पहले कभी? हाँ पहले फील किया है हमने, लेकिन एज अ स्टूडेंट ये गर्मी हम लोग को और ज़्यादा बॉदर करता है। अब कॉलेज है तो सुबह में लंच वगैरह हॉस्टल में रहने पे, और गर्मी के मौसम में अगर पेट खाली हो तो ज़्यादा चक्कर आने की समस्याएं, बीमार पड़ना, वोमिटिंग, बहुत सारी चीज़ें का सामना, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और बस ट्रैफिक व्हीकल्स उसके वजह से और पॉल्यूशन बढ़ जाता है, और ब्यूटी की क्या ही उसका तो वाट लग जाता है, स्वेटिंग, पिंपल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी जाना कैसे है घर पे? ऑटो से, या ऑटो से? ऑटो तो मतलब जहाँ जाना है वहाँ का तो ऑटो मिलता ही नहीं है। आपको आधा रास्ता ऑटो से जाना पड़ेगा और फिर आधा जो रास्ता हम लोग का पैदल जाना पड़ता है। हालत पूरा ख़राब हो जाए, ज़्यादा ख़राब हो सकती है। आप इतनी गर्मी में सोच सकती हैं कि आधा रास्ता हम लोग ऑटो से ट्रेवल करते हैं और फिर आधा हम लोग को पैदल जाना पड़ता है। कोरोना के वजह से मास्क भी जरूरी, पूरा मास्क भी जरूरी है, भगवान। दम घुटने लगता है, दम लगता है कि हफ गए, बहुत प्रॉब्लम है गर्मी के वजह से। ज़्यादा लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, ये लोग भी परेशान हैं, सभी कॉलेज स्कूल की लड़कियां परेशान हैं। आपने सुना सबकी दुख भरी कहानी को, तो सुना आपने लड़कियों की दुख भरी कहानी। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे निवास सिंह के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।